हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो अभी तो मेरा रेगुलर व्लॉग्स नहीं आता है बिकॉज मैं कोप अप नहीं कर पा रही हूँ। डेली व्लॉग शूट, फिर प्रणव का पढ़ाई, फिर घर का काम, फिर एडिटिंग, सब कुछ नहीं हो रहा है। मैं कुछ ऑनलाइन वर्क भी कर रही हूँ, तो इसी वजह से जितना हो सके मेरा लाइफस्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। एक्चुअली व्लॉगिंग इज़ अ हैबिट, पैशन के साथ साथ एक हैबिट भी बन चुका है। व्लॉग नहीं करती हूँ, एडिटिंग नहीं करती हूँ, आप लोग के साथ नहीं मिलती हूँ तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए, मैं कर रही हूँ ब्रेकफास्ट एंड आज मैं बनाऊँगी ये अंडा और पम्पकिन का सब्ज़ी। इसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं डीम कुमरो। तो ये देखिए, फ्रेश पम्पकिंस लेके आई हूँ मैं एंड ये मेरा मम्मी का रेसिपी है। मैंने पहले भी इसका रेसिपी चैनल में ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। आई डोंट नो आप लोगों ने बनाया है कि नहीं घर पे, ज़रूर बनाइए, खाइए। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं या जो लोग एगिटेरियन हैं, एग खाते हैं, वो लोग भी इसको बना सकते हैं। काफ़ी मज़ेदार बनता है ये वाला। घर में कुछ मौसम भी थे एंड ऑलरेडी और भी मैं लेके आई हूँ। पनव को मैंने सोचा फ्रेश जूस पिलाऊँगी एंड ये है पापदा मांच, ये भी आज बनाऊँगी मैं। एक और फिश करी का रेसिपी शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। अच्छे से धो के इसको मैंने रखा है। मैं ये मछली ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, पर एक रेसिपी मैंने देखा हुआ है यूट्यूब में, मस्टर्ड पाउडर से बनाऊँगी मैं। मस्टर्ड यानी कि सरसों का पेस्ट से बनता है ये। देखिए नमक से मैं मैरिनेट कर रही हूँ इसको एंड इसमें फिर मैं हल्दी भी डालूंगी। हल्दी और नमक से बहुत अच्छे से फ़िश को ना मैरिनेट करना चाहिए ताकि टेस्ट काफ़ी अच्छा रहे। एंड ये देखिए, इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। इसको भी अच्छे से मैं सरसों का तेल में थोड़ा सा डिप करा के रखूँगी। एंड ये है रात का आलू का सब्ज़ी। हम लोग का रात का बनता है, आइदर रोटी सब्ज़ी पराठा सब्ज़ी बनता ही है। एंड ये सरसों का छौंक से ये वाला आलू का सब्ज़ी बनाती हूँ मैं। अच्छा लगता है खाने में काफ़ी। एंड नमक और हल्दी भी डालती हूँ इसमें एंड एक ग्रीन चिली डालती हूँ। एंड यहाँ पर देखिए, मस्टर्ड पाउडर को मैंने अच्छा सा पेस्ट बना लिया थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी में। एंड सरसों तेल कढ़ाई में डाला है मैंने, गर्म कर लिया। उसमें काला जीरा डाला है मैंने एज अ छौंक। एंड इसके बाद फिर इसमें मैंने डाला है हरा मिर्च, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट एंड साथ में इसमें जाएगा ये मस्टर्ड पाउडर जिसका मैंने पेस्ट बनाया है, ग्रेवी बनाया है। इसको मैंने अच्छे से गर्म कर लेना है एंड इसके बाद ये मैरिनेटेड फ़िश को इसमें डालना है। बाकी का जितना भी लिक्विड नमक हल्दी का बचा था उसको भी डाल दूंगी। इसके बाद देखिए, ये मस्टर्ड का पेस्ट जितना बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया। अच्छे से पका लेना है एंड थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, मैंने रेड चिली पाउडर पानी में घोल लिया है, इसको भी डालूंगी एकदम थोड़ा सा ताकि पनव को दिक्कत ना हो खाने में। एंड यहाँ पर पम्पकिन को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया, स्मैश कर लिया। प्याज को मैंने फ्राई कर लिया एंड एक अंडा को मैंने यहाँ पर फेंट लिया है। अंडा के बिना ये सब्ज़ी में एकदम टेस्ट नहीं आता। इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डलता है एंड अंडा को अच्छे से फ्राई करके इसमें मिक्स कर देना पड़ता है। फ्रेंड्स, बच गए बहुत यम्मी बनता। फाइनली मेरा खाना पीना बनाना सब हो गया है कंप्लीट एंड मैं पूरी तरह से अभी थक गई हूँ। अभी जाऊँगी मैं फटाफट नहा के, पहले पूजा कर लूँगी। एंड आज मेरा मन है थोड़ा सा मैं बाहर कहीं जाके शॉर्ट वीडियोज़ एंड रील्स बनाऊँ, बिकॉज बहुत लोगों को मैं देखती हूँ बाहर नेचुरल ब्यूटी में शॉर्ट वीडियो रील्स बनाने का जो महत्व होता है, जो इंपॉर्टेंस होता है, वो घर में बैठे बैठे नहीं होता, बिकॉज घर का बैकग्राउंड सब लोग देख चुके हैं एंड घर में वो नेचुरल वाइब नहीं आता है। बाहर जाने से ना एक अजीब सा मन में अलग ही टाइप का आता है, मतलब रील्स बनाने का एनर्जी एंड शॉर्ट वीडियोस बनाने का जो एनर्जी होता है वो अलग लेवल का होता है। तो मैं कोशिश तो करूँगी, देखती हूँ कितना हो पाता है नहीं हो पाता है, बिकॉज अभी अभी मैंने खाना बनाना कंप्लीट किया एंड बस सुबह से मैं बहुत सुबह से जगी हुई रहती हूँ, बहुत काम रहता है। नहाऊँगी, पूजा करूँगी एंड वीडियो एडिटिंग भी है मेरा, तो देखती हूँ कोशिश करूँगी वीडियो एडिटिंग करके भी अगर निकल जाऊँ तो एक बार मैं रील्स बना के फिर वापस आते वक्त पनव को कारपूल से लेके आ जाऊँगी एंड फिर आके अपलोड कर दूँगी। नहा धो के फ्रेश होके अब कर रही हूँ घर का पूजा। घर का यहाँ पर खिड़की पे ही मेरा भगवान का आसन बिछाया हुआ है। इस खिड़की में दूसरा एक और खिड़की है एंड नीचे एक चौकी के ऊपर भी भगवान विराजमान है। तो बस पूजा अर्चना कम्प्लीट हो गया मेरा। हाय फ्रेंड्स, बच गया है दिन का 1:45 एंड पनव को लाने का टाइम हो गया है एंड मैं कर रही थी कुछ एडिटिंग। सोचा तो था बाहर जाऊंगी, थोड़ा सा रील्स एंड शॉर्ट वीडियोस बनाऊंगी, बट नहीं हो पाया बिकॉज टाइम नहीं मिला, एडिटिंग भी करना था। एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ पनव के लिए मौसमी जूस। यहाँ पर मैंने सुबह मौसमी भिजा के रखा है,
तो अभी पूड़ा का ही जूस बना लूंगी, फ्रिज में छोड़ूंगी नहीं, और बस जितना पनफ पिएगा पिएगा, बाकी मैं पी लूंगी। तो बस फटाफट बना लेती हूँ, ज़्यादा टाइम है नहीं, फिर उसको लाने भी जाना है। एंड सुबह से तो काफ़ी अच्छा धूप था, पर अभी फिर स्काई क्लाउडी हो गया है, आई थिंक बारिश होने का चांसेस है। बारिश आने वाला है इसलिए छाता लेना पड़ा। बस बारिश स्टार्ट हो ही गया आखिर। ईद है? हाँ। ये तो मुझे पता ही नहीं था मंडे को ईद है, और 17 को ट्यूसडे को, ट्यूसडे को भाई किसी भगवान का पूजा है, ट्यूसडे को विश्वकर्मा पूजा है। हाँ, विश्वकर्मा पूजा है, मतलब अभी 4 दिन छुट्टी। भगवान, मैंने सोचा था कम से कम मंडे को ये स्कूल जाएगा। क्या 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 दिखाओ दिखाओ, एंड बाहर देखिए जोर का बारिश चालू हो गया, मतलब हम लोग भी घर घुसे एंड बारिश चालू। ये देखो, एंड ये देखिए प्रणव क्या कर रहा है कांच में, कांच में गाड़ी नहीं चलाते। आप क्या लिख रहा था यहाँ पर, सब क्या लिख रहा था बेटा? ये देखो लॉक, ये देखो। अरे यहाँ पर क्या ड्रॉ किया, यहाँ पर ये क्या है, व्हाट इज दिस? स्पीकर ड्रॉ किया। स्पीकर ड्रॉ किया, गाना सुनने के लिए। गाना सुनने के लिए, गाना सुन के लेटेगा? हाँ, ये देखो ऐसे गाना सुन। बहुत जोर का बारिश हो रहा है, बहुत जोर का। ये देखिए बारिश में नहीं जाओ, ये देखिए कितना जोर का बारिश हो रहा है। ड्रॉ कर रहे हो, दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा मुझे, दिखाओ दिखाओ क्या ड्रॉ कर रहे हो। कोई अच्छा चीज ड्रॉ नहीं करता है, दिन भर ये टाइटन मैन स्पीकर मैन कैमरा मैन यही सब में इसका ड्राइंग पेजेस बर्बाद हो रहा है। कोई अच्छा फ्रूट वेजिटेबल बर्ड ये सब नहीं ड्रॉ करता है, बोलो। फ्रेंड्स, बज गया है रात का 9:15, एंड ये देखिए पनव देख रहा था थोड़ा देर टीवी, एंड मैं यहाँ पर बैठ के थोड़ा सा नेट सर्फिंग कर रही थी, सोच रही थी थोड़ा इंस्टाग्राम में रील्स बनाने का, पता नहीं कब बनाऊंगी। हो सकता है कि पहले मैं डिनर कर लूँ, पनव भी डिनर कर लेगा, है ना पनव? हाँ। पनव तो मम्मा छोड़ के डिनर करता ही नहीं है, मम्मा को तो अभी तक पनव को खिला देना पड़ता है ना पनव? हाँ। खुद से क्यों नहीं खाता है बोलो? क्योंकि मैं हाथ क्या हाथ छोटा है इसलिए नहीं खाता है। एक्सक्यूज सुनिए, तो स्कूल में टिफिन कैसे खाता है छोटा हाथ से? क्योंकि भाई वो सब चीज छोटा होता है, वो सब चीज छोटा होता है, मतलब रोटी और चावल इसको मम्मा को खिला देना पड़ता है ना। हाँ। रोटी चावल ही अपने हाथ से अभी तक नहीं खाता है। एनीवेज ठीक है, खा तो सकता है, वैसे फ्राइडेज वगैरह कुछ बनता है तो चम्मच से खा लेता है, वैसा बात नहीं है। एंड एनीवेज हम लोग कर लेंगे अभी डिनर, एंड उसके बाद सोच रही हूँ कुछ शॉर्ट वीडियोस रील्स मैं बनाऊंगी, एंड देखते हैं। बस आप लोग सब्सक्राइब करते रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा मेरे चैनल को। एंड आज दिन भर में काफ़ी बार बारिश हुआ, पर फिर भी अभी तक ह्यूमिडिटी बहुत है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मुझे तो लग रहा है गर्मी दिन ब दिन बढ़ रहा है ना पनव? हाँ। मुझे तो लग रहा है गर्मी दिन ब दिन बढ़ रहा है, कहाँ हम लोग विंटर की तरफ जा रहे हैं, बट गर्मी तो बढ़ती जा रहा है।